हमारा जो माइंड है ना उसको एक गार्डन की तरह देखना है हमको जैसे हमारे घर में एक गार्डन है अब उस गार्डन को कल्टीवेट करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो है हमने इंटेलिजेंटली उसको कल्टीवेट किया है कि जैसे ही कुछ ऐसा उग रहा है वहां पर जो हमको नहीं चाहिए तो उसको काटा और जो हमको चाहिए जिस जगह पर चाहिए जो जो चाहिए उसको वहां पर बड़े इंटेलिजेंटली हमने प्लांट किया तो वो गार्डन बड़ा सुंदर होगा दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसा कुछ ना करें यानी क्या गार्डन पे दिमाग लगाना है घर के आगे गार्डन है छोड़ो ना कौन उस पर मेहनत करेगा कौन जाएगा ये तो बड़ा एफर्ट वाला काम है है होने तो जो हो रहा है। जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो क्या होगा वहां पर यूजलेस वीड्स वीड्स उग जाएंगे होती है मतलब ऐसी घास आप कह सकते हो कांटे वाली घास इसको कल्टीवेट करना ही पड़ेगा और कब करना पड़ेगा डेली करना पड़ेगा बल्कि इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं ट्वेंटी फोर बाई सेवन चौबीस घंटे कल्टीवेट करना पड़ेगा अगर आप एक एक्चुअल में अच्छे गार्डन में रहना चाहते हो एक्चुअल में अंदर से अच्छा फील करना चाहते हो सोचो हमारा घर ऐसी जगह पे हो या हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर हम चल फिर तक नहीं सकते बड़ी बड़ी घास उग गई है कांटे वाली जहां निकलते हैं वहीं कांटे चुभ रहे हैं लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते और दूसरी तरफ से एक ऐसा गार्डन है जहां पर ऐसे फ्लावर्स हैं जिसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बड़ी कमाल की है उस गार्डन में एक एक चीज को बड़े ध्यान से किया गया है प्रॉपर तरीके से किया गया है और उस गार्डन में बैठ करके ही हम अच्छा फील करने लग जाते हैं लेकिन अगर ऐसा गार्डन हमें चाहिए तो वो एक दिन में नहीं बनेगा और ये काम ऐसा नहीं है कि हमने एक महीने तक किया एक साल तक किया बस उसके बाद में छोड़ दिया जैसे ही छोड़ दिया इसमें क्या कहा जा रहा है जैसे ही छोड़ दिया आपको कुछ करने की जरूरत है वो वीड्स अपने आप उगने लग जाएंगे मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे हमको दो काम करने होंगे एक जिस तरह के प्लांट्स हमको चाहिए जिस तरह के फ्रूट्स हमको चाहिए उस तरह के बीज बोने हैं और दूसरा जिस तरह के नहीं चाहिए उसको जड़ से काटना है क्योंकि जिस वक्त वो उस जमीन में जा रहा है या अभी जमीन से बाहर ही आया है अभी उसको उखाड़ना बड़ा आसान है एक बार वो बड़ा हो गया देन इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पोसिबल तो अगर इस एक्सरसाइज को हम रेगुलर करें डेली रात को सोने से पहले इस एक्सरसाइज को करें सुबह उठने के बाद इस एक्सरसाइज को करें कि अपने आप से पूछें अगर पूरा दिन खत्म हुआ है कि आज क्या गंद गया है अंदर और उस गंद को वहीं पर हम रोक दें गंद को कैसे रोका जाता है गंद क्या होता है देखना ध्यान से समझना कोई भी चीज गंदी अच्छी नहीं होती है जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं किसी सिचुएशन को वो गंदी या अच्छी होती है कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है हमारे ऊपर हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं एक इंसान किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है किसी के लिए ना अच्छा है ना बुरा है तो यह सारा खेल किसका है इंटरप्रिटेशन का तो हम कैसे ये नेगेटिव अगर हमारे माइंड में कुछ घुस गया है पूरे दिन में उसको कैसे ठीक करेंगे रात को सोते वक्त कि अगर हम उसको कोई गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उस इंटरप्रिटेशन को ठीक कर दिया यानी कुछ उल्टा चल रहा है हमारे माइंड में किसी के बारे में फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ्रेंड है उसने गाड़ी ली है तो आप उसके बारे में उल्टा सोच रहे हो जरूर कोई ना कोई घपले कर रहा होगा जरूर कोई गलत काम कर रहा होगा डू यू नो दैट कि वो गलत काम कर रहा है नहीं ये आउट ऑफ जेलेसी हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं तो हमने वहां पर क्या किया कि जरूर उसको कुछ ना कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है चल यार अगली बार उससे मिलूंगा ना तो बैठ करके आराम से समझूंगा कि वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है इतना ग्रो कैसे कर पा रहा है अपनी लाइफ में तो इस तरह से हमने अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं ईविल थॉट्स हैं जो वीड्स हैं उसको क्लियर किया रात को सोने से पहले और जो सही थॉट्स है उसको और पक्का किया सही थॉट क्या हो सकते हैं थैंकफुलनेस बड़ा आसान होता है बहुत ही आसान ये आप चलते फिरते भी कर सकते हो रात को जिस वक्त सो रहे हो उस वक्त भी कर सकते हो एक मिनट लगता है अपने हाथ पैरों को फील किया आँख बंद करी हाथों को थोड़ा सा हिलाया फिंगर्स को हिलाया पैरों को हिलाया और बोला कि अरे यार मेरे हाथ पैर सलामत है ये छोटी चीज़ नहीं है इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है और हो सकता है कल आपके भी ना हो मेरी आंखें सलामत है आंखें खोल के देख लिया अरे मैं तो देख पा रहा हूँ अरे मैं तो सुन पा रहा हूँ अभी कान भी ठीक है तो ये क्या है थैंकफुलनेस कि जो है उसके लिए आप थैंक्स कर रहे हो इससे कैसा फील होता है अच्छा फील होता है तो अच्छे थाट्स हैं तो पीसफुली सोओगे जब अच्छे से सोओगे तो सुबह अच्छे से उठोगे अच्छे से उठोगे तो अगले दिन की शुरुआत अच्छी होगी लेकिन ये काम एक या दो दिन करने का नहीं है हमेशा करना है करते ही रहना है मरते दम तक हमारे पास में हमेशा चॉइस होती है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं वो चॉइस होती है नहीं होती है मोबाइल में हर तरह की इंफॉर्मेशन है गंदगी से गंदगी और अच्छे से अच्छा प्योर से प्योर और इम्प्योर से इम्प्योर चॉइस किसके हाथ में है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है हमारे हाथ में है हाँ एक प्रॉब्लम यहां पर आएगी जिस तरह की हमारी आदत बन जाती है उससे अलग जैसे ही हम कुछ करते हैं तो शुरू में कुछ टाइम तक अनकंफर्टेबल लगता है जैसे किसी की आदत है बहुत ही ऐसे थॉट्स अपने माइंड में प्लांट करने की जो अंदर जा कर के कुछ सही काम करते हैं तो उसको एकदम से आप कुछ नेगेटिव दिखाओगे तो वो नहीं देख पाएगा ज़्यादा देर तक उसको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होने लगे वो कहेगा बंद करो ना यार ये सब क्या लगा दिया ये न्यूज़ व्यूज़ ये वो ये हटाओ ना क्या गंदगी है ये या वो जो चैनल पे डिबेट आते हैं चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं तो वो बंदा देख ही नहीं सकता उसको अंदर से अजीब सा फील होने लग जाएगा दूसरी तरफ से कोई बंदा जो सुबह से रात तक यही करता है यानी टी ऑन किया हुआ है और न्यूज़ चैनल चल रहा है और एक के बाद एक गंदगी गंदगी उसको एकदम से कुछ अच्छा दिखाओ या अच्छा सुनाने की कोशिश करो वो अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा वो घबराने लग जाएगा अंदर से कहेगा क्या है ये बंद करो ना वापस से वहीं जाएगा लेकिन ये चॉइस किसके हाथ में है हमारे हाथ में उस बंदे के हाथ में चाहे तो बदल सकता है दस साल से गंदी आदत पड़ी हुई है चाहे तो छोड़ सकता है शुरू में कुछ दिन लगेंगे एक नई आदत बनाने के लिए जैसे हर आदत में होता है लेकिन वो हो सकता है दैट मीन चॉइस बाय द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट यानी सिर्फ अच्छा सुनने से कुछ नहीं होता है अच्छा बोलना भी होगा ना फिर अच्छा करना भी होगा तभी एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी फिर जब अच्छा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे जितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अंदर से उतनी एनर्जी मिलेगी और अच्छा इंफॉर्मेशन अंदर डालने की और अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे तो वो साइकिल बनती चली जाएगी फिर हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ने लग जाती है वो एनर्जी अलग हो जाती है और लोगों से इन्फेक्शियस हो जाती है वो एनर्जी कोई भी हमारे कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको आते ही बैठ करके अच्छा फील होने लग जाता है वो कहता है मेरा मूड अच्छा हो गया आपके साथ बैठ करके मैन असेंस टू द डिवाइन परफेक्शन डिवाइन परफेक्शन का मतलब यह है कि एक ऐसी परफेक्शन जहां पर कि एक आदमी अवेयर हो जाए कि उसके अंदर चल क्या रहा है उसी को कहेंगे ना डिवाइन परफेक्शन डिवाइन परफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थाटिंग न आए डिवाइन परफेक्शन का मतलब यह है कि अगर कुछ उल्टा आए भी तो आया उसको हमने देखा जैसे कि कोई मेहमान आ गया है घर में जो हमें पसंद नहीं है लेकिन आ गया है कोई बात नहीं तो उस मेहमान को देखा वो रहा और वो चला गया इसको कहेंगे डिवाइन परफेक्शन डिवाइन परफेक्शन का मतलब क्या कि हमारा नेचर ऐसा बन जाए हमारी आदतें ऐसी बन जाए कि ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में ही जाए कभी अगर गलत डायरेक्शन में जाए भी तो थोड़ी देर के लिए गया लेकिन वहां पर हमको गंदा फील होने लग जाए अंदर से और हम फिर से अपने डिफॉल्ट जोन में चले जाए और डिफॉल्ट जोन क्या हो जहां पर कुछ कंस्ट्रक्टिव अंदर चल रहा है कुछ क्रिएटिव चल रहा है कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके लिए भी सही है जिसके अंदर वो चल रहा है और उसके आसपास में जो लोग हैं उनके लिए भी सही है उसी को कहेंगे ना डिवाइन परफेक्शन यानी कि कुछ ऐसे थॉट्स जिसका एंड रिजल्ट खुशी हो शांति हो सेटिस्फैक्शन हो सेल्फ ग्रोथ हो सिर्फ आउटर ग्रोथ नहीं सेल्फ ग्रोथ आउटर ग्रोथ जरूरी है दुनिया में ग्रोथ का मतलब क्या पैसा कमाओ जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सेल्फ ग्रोथ बाय द अब्यूज एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट ही डिसेंड्स बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट अगर इसको हम सही से अप्लाई ना करें थॉट को अपनी जो थिंकिंग है उसको सही डायरेक्शन ना दें अब्यूज करें अब्यूज का मतलब क्या है कि कुछ भी अंदर भरते चले जा रहे हैं आजकल कुछ ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं। जिसमें इतनी नेगेटिविटी है इतना वॉयलेंस है जिसकी कोई हद नहीं है तो हमें क्या लगता है उसको हमने देखा और एंटरटेनमेंट हुआ और काम खत्म ऐसा नहीं होता है जी वो बैठ जाता है हमारे अंदर जिस तरह से अगर हमारे साथ में कुछ वॉयलेंट हुआ है लाइफ में कभी हमारे साथ में कुछ बहुत गलत हुआ है तो वो बैठा हुआ है ना निकलता नहीं है ना चाहे हम कॉन्शियस ना हो उसको लेकर के ऐसे ही अगर हम कुछ बहुत ज्यादा वॉयलेंट देखते हैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव देखते हैं बहुत ही ज्यादा करप्ट कुछ देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अब्यूज ऑफ थॉट वो हमारे अंदर जाकर के बैठना ही बैठना है और फिर एक दिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी वो सिचुएशन कब आएगी कोई नहीं कह सकता एक महीने में आए एक साल में आए दो साल में आए दस साल में आए सिचुएशन आएगी जब वो हमारा वॉयलेंस बाहर आएगा फिर हम कहेंगे कि ये क्या हो गया एक सीधा साधा आदमी बीस्ट कैसे बन गया इसमें यही कहा गया बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट कि ये आदमी तो बिल्कुल ही सीधा साधा है ये हैवान जैसी हरकतें क्यों कर रहा है क्योंकि कहीं कही ना कहीं उसने थॉट को अब्यूज किया है थॉट को लाइटली लिया है थॉट को लाइटली लेने का मतलब क्या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को अंदर जाने दिया है तो वह एग्रेशन वो अंदर स्टोर हो गया है तो जब मौका आया तो एकदम से बाहर आ गया अब वो आदमी खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन है कि मैं ये हूं जो ये हरकतें कर रहा हूं या जो थोड़ी देर पहले तक था वो हूं एक डुअल पर्सनैलिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है एक तरफ से आदमी नॉर्मल लग रहा होता है एक तरफ से ऐसी हरकतें कर रहा होता है जो बहुत ही गिरी हुई है उसकी जड़ क्या है उसकी वजह क्या है अब यूज ऑफ थॉट रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट गलत तरीके से हमने अप्लाई किया आगे बढ़ते हैं ओनली बाय मच सर्चिंग एंड माइनिंग आर गोल्ड एंड डायमंड ऑप्टेंड एंड मैन कैन फाइंड एवरी ट्रूथ कनेक्टेड विद दिस बींग इफ यू विल डिग डीप इन टू द माइन ऑफ इज सोल एंड दैट ही इज द मेकर ऑफ हिज कैरेक्टर द मोल्डर ऑफ हिज लाइफ एंड द बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी जैसे हमको सोने की खान को ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले तो ढूंढना पड़ेगा सर्चिंग फिर जब पता लग भी गया कि यहां पर है सोना है या डायमंड्स हैं, तो माइनिंग करनी पड़ेगी खोदना पड़ेगा बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा तब जाकर के वहां से सोना निकलता है और डायमंड्स निकलते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी आत्मा की गहराइयों में खोदें तब हमको एक सच वहां पर नजर आएगा जो इस दुनिया के सच से बिल्कुल अलग है वो सच क्या है दैट मैन इज द मेकर ऑफ इज कैरेक्टर कि उसका जो कैरेक्टर है वो वो खुद बनाता है द मोल्डर ऑफ इज लाइफ कि उसकी लाइफ को जैसे मोल्ड करना चाहे वैसे मोल्ड कर सकता है जैसी बनाना चाहे वैसी बना सकता है उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है एंड द बिल्डर ऑफ इज डेस्टिनी कि उसकी किस्मत पूरी तरह से उसके खुद के हाथ में है कहीं हाथ में कोई लकीरें नहीं है कहीं कोई चांद तारे नहीं है वो अपनी किस्मत को बदल सकता है अपनी लाइफ को बदल सकता है वो सब कुछ बदल सकता है यानी अपने थॉट्स को बदल करके कर हम अपने एक्शंस को बदल सकते हैं जैसे ही एक्शंस बदलते हैं हमारी ये आते बदलती हैं जैसे ही आदतें बदलती है हमारा कैरेक्टर बदलता है जैसे ही कैरेक्टर बदलता है।, है हमारी लाइफ बदलती है लाइफ बदलती है तो हमारी किस्मत बदल जाती है तो सबकी शुरुआत कहां से हो रही है थॉट्स से सिंपल है